अचारी गोश्त, तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हाफ के जी बीफ या मटन, दो मीडियम साइज के स्लाइस्ड अनियन, दो छोटे टमाटर, 4 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। एक कुकर में हमने 3/4 कप ऑयल गरम कर लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारी दो मीडियम स्लाइस की अनियन। इसे अच्छा ब्राउन होने तक के मिलाएंगे। हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, और ऐड कर लेंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो गोश्त। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी प्याज और टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं और हमारे गोश्त पर भी अच्छी तरह मसाले लग चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसे सीटी लगा लेंगे। इसे फुल आंच पे हम एक सीटी लेंगे और लो या मीडियम फ्लेम पे हम इसे 7 से 10 मिनट तक पकने देंगे। दही में अचारी गोश्त मसाला 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब ये तैयार हो चुका है। यहाँ हमने 5 बड़ी हरी मिर्चियाँ ली हैं और इसमें आमचूर पाउडर और अचारी गोश्त मसाले का पेस्ट बना के इसमें भर दिया है। गोश्त अच्छे से गल चुका है, अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। अब हमारा दही और अचारी गोश्त का जो पेस्ट है इसमें हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें हमारी हरी मिर्चियाँ ऐड करके इसे थोड़ी देर और भूनने देंगे। ये अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे सर्व करते हैं।